Hey guys, welcome to my channel, The Education Hub, and I will start today with the future perfect continuous tense. Now, future perfect continuous tense होता क्या है कि कोई चीज है जो आप past से करते आ रहे हैं and वो complete होगी in future. Okay? So एक बहुत लंबा time gap होता है इसके बीच में, तो आपको दिखाना है कि आप past में क्या कर रहे थे and future में वो कब complete हो जाएगी. चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं और इसका फॉर्मूला समझते हैं. तो इसके रूल है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन. सो ये तीन चीजें तो आनी ही है कंफर्म्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. विल हैव बीन प्लस वर्ब एंड आईएनजी बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस एज वेल. सो इसमें कंटिन्यूटी है तो आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट और आपको एक टाइम शो करना है फॉर या फिर सिंस. सो लेट्स मेक सम एग्जांपल्स एज वेल. आई विल हैव बीन, ओके, सेम, ईटिंग, ईट आईएनजी, ईटिंग वेजिटेबल्स. सो मैं जो हूं वेजिटेबल्स खा रहा हूं कब से, फॉर 3 मंथ्स. सो ये 3 मंथ्स पहले एक स्टार्ट हो चुका था और अभी तक ये कंटिन्यू है और फ्यूचर में जाके ये कंप्लीट होगा. ऑलराइट, She will have been learning. So, वो सीख रही है क्या English? और she will have been learning English, daily. She will have been learning English daily for 3 months. Okay? Now, for 3 months को आप 6 months भी कर सकते हैं. And फोर एंड ईयर भी कर सकते हैं. सो जहां पे भी आप चेंज करना चाहें आप इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं. सो कॉन्जुगेशन इज वेरी इजी एंड आई विल हैव बीन ईटिंग की जगह आप कर सकते हैं यू विल हैव बीन. ईटिंग को हटा के हम इस पर रख देंगे स्टडिंग. यू विल हैव बीन स्टडिंग. अब हम इधर से वेजिटेबल्स को भी हटा देंगे. So you will have been studying for 3 months. तुम 3 महीने से पढ़ रहे हो. ठीक है. So कितना आसान हो गया. और इसके examples देखते हैं और इस पे और sentences बनाने की कोशिश करते हैं. So these examples are, in December I have been working, verb plus ing, at my company for 3 years. So, आने वाला जो दिसंबर है, जब वो दिसंबर आ जाएगा, so मुझे इस कंपनी में 3 साल हो जाएंगे वर्क करते हुए. So, these are the kind of sentences in future perfect continuous. Let's see another example. At 5 o'clock, so जब 5 बज जाएंगे, okay, in future, जब 5 बज जाएंगे, I have been waiting for 30 minutes. So, मुझे 30 मिनट हो जाएंगे इंतजार करते हुए. Okay? When I turn 30, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, I will have been playing piano for 21 years. So, मुझे पियानो बजाते हुए 21 साल हो जाएंगे. So, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा. सो ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और इनमें चेंजेस ला सकते हैं. लाइक व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years. जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए 2 साल हो जाएंगे. कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं. यहां पे आपने करा था एट 5 o'clock, तो आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं. एट 8 o'clock आई की जगह पे मैं से यू कर देता हूं. एट 8 o'clock यू हैव बीन वेटिंग को हटा के मैं इस पे चाहे वॉचिंग कर देता हूं या फिर लिसनिंग कर देता हूं. सो एट 8 o'clock you have been watching
वॉचिंग क्या कर रहे थे, कुछ भी कर सकते हैं, वॉचिंग द मूवी फॉर 30 मिनट्स, तो मैं 30 मिनट हो जाएंगे ये मूवी देखते हुए 8 बजे, जब 8 बज जाएंगे यू हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स, तो मैं 30 मिनट हो जाएंगे गाने सुनते हुए। और जो एक कॉमन होता है पेरेंट्स का, एट 8 o'clock यू हैव बीन प्लेइंग पबजी, राइट, सो पबजी का क्रेज बहुत ज्यादा होता है, यू हैव बीन प्लेइंग पबजी, अभी 30 मिनट्स तो बहुत ही कम है, 30 तो हो भी नहीं सकता, बल्कि से तो 3 से 4 आवर्स हो जाना चाहिए, सो यू हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 3 आवर्स, जब 8 बज जाएंगे तो तुम्हें 3 घंटे हो जाएंगे पबजी खेलते हुए, सो इसे थोड़ा सा कम करिए, ठीक है, और ज्यादा सीखने पे लगा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो इस तरीके से आप जो है नॉर्मल सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं, और अगर ये आपको समझ में आ गया है सो दैट इज ग्रेट, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, थैंक यू सो मच।